वेलकम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 10.2 इंटेग्रेशन का आज हमें करना है। ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सब शुष्क मेथड ही चल रहा है। इंटेग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई दिस थिंग, देखो ये आएगा हमारा इंटेग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई, देखो इसमें इसमें 2 कॉमन है, 2 3 इज आर, या है हमारा 3 cos x प्लस 2 sin x, तो फिर dx। हम इस चीज को करेंगे काउंट, इसको हम z के बराबर लेंगे। सपोज लेट z हमारा 3 cos x प्लस 2 sin x, तो फिर dz अपॉन dx, यानी इसकी 3 cos की माइनस साइन माइनस 3 sin x, माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। देखो डी जेड अपॉन ये क्या है, 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये चीज मैंने नीचे लाई इज इक्वल टू डी एक्स। एक ये वैल्यू इसमें देंगे और दूसरा ये वैल्यू, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो ये 1 हाफ है, यहां पर 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, इसी तरह 2 cos x माइनस 3 sin x। हाँ तो फिर क्या है, यहां पर dx है, dx की जगह dz डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, और ये नीचे क्या है यहां पर 2 cos x माइनस 3 sin x, ये यहां पर देखो ये यहां पर है 3 cos x प्लस 2 sin x, ये किसके बराबर हमने दिया था, z के बराबर, ये इस तरह आएगा। हाँ तो क्या बनेगा, ये चीज जो है ना 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, इट्स सेम, ये गोज इट गोज। अच्छा 1 हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइड z, वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z log ऑफ z प्लस c, वो आएगा हमारा 1 हाफ ऑफ log ऑफ z, z किसके बराबर हमने लिया था 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, ये हमारा आंसर आ गया प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये आसान है, ये आप होमवर्क कर लेना। 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला यूज कीजिए फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर आप ध्यान दें, कॉस ऑफ रूट एक्स, यहां पर जाहिर सी बात है रूट एक्स हम देंगे z के बराबर, z इज इक्वल टू रूट एक्स, तो डी जेड अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 1 बाय 2 फार्मूला लगा के 1 डिवाइड बाय 2 एक्स रेज पावर 1 बाय 2 माइनस 1, वो हमारा आता है बराबर 1 डिवाइड बाय 2 एक्स रेज पावर 1 बाय 2 माइनस 1 एक्स रेज पावर माइनस 1 बाय 2, वो हमारा आ गया 1 हाफ ऑफ एक्स रेस्ट पावर 1 बाय 2, वो हमारा आ गया 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, इस तरह से dx हमारा आ गया 2 रूट एक्स dz। ये दो वैल्यू इसमें पुट बैक करते हैं तो इंटेग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट एक्स की जगह z इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 रूट एक्स डी जेड, और नीचे क्या है, नीचे आप देखो रूट एक्स है, ये रूट एक्स, ये रूट एक्स जाएगा, तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस ऑफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन कॉस की साइन ऑफ जेड प्लस सी 2 साइन
ऑफ जेड, जेड क्या दिया था हमने, रूट एक्स प्लस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 क्या है हमारा, रूट ऑफ साइन टू एक्स कॉस ऑफ टू एक्स डी एक्स, ये ढूंढना है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, वी सपोज दैट टू एक्स जो है ना, टू एक्स वो हम लेंगे साइन टू एक्स जेड के बराबर, फिर डी एक्स का वैल्यू पुट बैक करके, और फिर यहां पर ये करके हमें इसका क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 28 से आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।